पढ़ने वाले हैं त्रिभुज को, यानी त्रिभुज के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राई एंगल, क्या कहते हैं ट्राई एंगल, यानी त्रिभुज जो कि नाम से स्पष्ट है त्रि प्लस, यानी इसमें त्रि माने होता है तीर और भुज माने क्या होता है भुजाएं, है ना, या कह सकते उसमें कोण भी होता है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, यानी कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से बनी आकृति है ना त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं पहले उसको लिख लेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज लिखेंगे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। त्रिभुज कहेंगे कि तीन भुजाओं या फिर कह सकते हैं तीन रेखाखंडों से, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, बंद का मतलब क्या हुआ, खुला का मतलब क्या हुआ, पहले हम ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये आकृति ऐसे की, ठीक, इसका क्या इधर से खुला हुआ है, क्या इधर से खुला हुआ, यानी इधर से आदमी आ सकता है इसमें, ठीक। और बंद का मतलब हुआ कि चारों तरफ दीवार उसका घिरा हुआ, इधर से भी खाली नहीं है, यानी इधर किधर से भी लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इस आकृति को कहते हैं हम लोग बंद आकृति और इसको कहते हैं खुला आकृति, क्या कहते हैं खुला, ठीक। तो यानी हमने कहा कि तीन रेखाखंडों से या तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो कैसे कहलाएगी ये देखिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति होगी, तीन भुजाओं से एक रेखाखंड ये हुआ, ठीक, दूसरा रेखाखंड ये हुआ और तीसरा रेखाखंड ये। तो तीन रेखाखंड मान लेते हैं, रेखाखंड का नाम जैसे कि हम मान लेते हैं कि ए बी एक रेखाखंड है, बी सी दूसरी रेखाखंड है और ए सी तीसरी रेखाखंड है। जैसे मान ले कि ए बी, एक हमने माना बी सी और तीसरा माना हमने सी ए, ये तीन रेखाखंड है। और जब ये तीनों रेखाखंड को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, यानी एक छोर से दूसरे छोर को ज्वाइन करते हैं, इस प्रकार की एक बंद आकृति बनती है, इसी बंद आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिभुज, क्या कहते हैं त्रिभुज, यानी त्रिभुज। अब देखो इसमें क्या क्या है, इस त्रिभुज में क्या क्या है, तो त्रिभुज में क्या क्या देखते हैं, त्रिभुज में क्या क्या है, पहला तीन भुजाएं, देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं, ए बी ए बी, बी सी बी सी और ए सी, ये तीन भुजाएं हैं। दूसरा है इसमें तीन कोण भी, तीन कोण, जब दो रेखाखंड एक दूसरे के छोर को मिलती है तो इसके बीच में कोण का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ए बी और बी सी दो रेखाखंड को एक छोर को दूसरे से मिला दिया तो इसके बीच में क्या बना, कोण बना, कोण। तो यहाँ भी देखिए एक दो तीन, यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा में, त्रिभुज में जब दो शीर्ष को, जब दो भुजाओं को, दो रेखाखंड को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो ये जो ऊपर का पॉइंट है उसको कहते हैं शीर्ष। यहाँ देखिए आप एक दो और ये तीन, यानी तीन शीर्ष होते हैं, कितने होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज में क्या क्या होता है, तीन भुजाएं होती है, त्रिभुज में क्या होती है, तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होता है, तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होती है और तीन कोण होती है, ठीक है। यानी ये त्रिभुज है, तो मान लो कि कैसे समझेंगे कि तीन त्रिभुज है, तो हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज मान लेते हैं एबीसी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए ए बी सी एक त्रिभुज है, हमने माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो हम ले लेते हैं पहले ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं, इसे करके बना लिया हमने एक त्रिभुज, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं कौन कौन है, तो तीन भुजाएं देखो एक दो तीन, देखो यहाँ तीन भुजाएं कौन कौन है, ए बी बी सी और सी, ये तीन भुजाएं। अब तीन कोण कौन कौन सा है,
इसमें तीन कोण है, ए ये वाला कोण हो गया, तो कोण को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कोण, ऐसे। ये जो दो जो इंडिकेट करते हैं इसको कोण को इंडिकेशन करता है, तो ये तीन कोण होते हैं। तो तीन कोण यहाँ देखिए, ए है, ये बी है और ये सी, यानी कोण इंडिकेट करते हैं जब दो रेखाखंड एक छोर दूसरे छोर से मिलती है तो इसके बीच में क्या होता है, कोण का निर्माण होता है। जैसे कोण अभी देखिए हमारे बीच में भी है, अभी हमारा ये हाथ तो है, ये सीधा हाथ है, अगर मान लो इसको हम बीच से ऐसे कर दे तो ये क्या बन गया, कोण बन गया, नहीं ये क्या बन गया, कोण बन गया। तो हम अपने नोटबुक को ले, बुक को ले सकते हैं, ये बुक सीधा है, अगर ऐसे कर दिए तो ये कोण बन गया, नहीं बन गया कोण, ये बन गया कोण, है ना। अगर एक और हम बुक ले लें, जैसे मान लीजिए अभी हम आप लोग ट्राइंगल भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे ट्राइंगल, ऐसे कर, ऐसे करके नीचे में एक और हाथ ऐसे कर दीजिए, आइए बताते हैं, एक आदमी मेरी एक भुजा दो भुजा तीन भुजा, तीन बना, क्या बना, ट्राइंगल बना। इस तरह से त्रिभुज बनते हैं, इसमें कितने भुजाएं हैं, गौर से देखिए, तीन भुजाएं कि नहीं, एक दो तीन, है ना। अगर इसको हम ऐसे मान लें, देखिए ये सीधा है, ठीक, अगर इसको हम आधा परसेंट मोड़ दें, देखिए ये कोण बन गया, क्योंकि दो भुजाओं के बीच में बना ना कोण, फिर इसको जितना नीचे करेंगे उतना छोटा कोण बनता जाएगा, जितना नीचे करेंगे उतना छोटा कोण, और जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा कोण बनता जाएगा, ठीक है। जितना ये दूसरे के नजदीक होगा, यानी दोनों भुजा एक दूसरे के जितना नजदीक होगा, उस कोण की माप उतनी छोटी होगी, क्या होगी, उतनी छोटी, और जैसे जैसे ये दूर चला जाएगा उसका क्या होगा, मान बढ़ता चला जाएगा, ये सीधा एक दूसरे के बीच में ऐसे हो जाएगा कि 90 डिग्री हो जाएगा, जिसको समकोण कहते हैं, ठीक है। और जैसे इससे जितना भी छोटा होगा, यानी इसके ऊपर से सीधा ऐसे ना, इससे जितना भी छोटा होगा उसको कहते हैं न्यून कोण, क्या कहते हैं, न्यून कोण, और इससे जितना आगे जाएगा वो कहलाता है अधिक कोण, क्या कहलाता है, अधिक कोण, और ये जो बीच में रहेगा तो क्या रहेगा, समकोण, ठीक है। चलिए तो अभी हम बता रहे थे, ठीक है, अब एक चीज और थी, ये त्रिभुज में तीन कोण होते हैं ना, एक दो और तीन, तो इस तीनों कोणों का कुछ ना कुछ मान होगा, 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री कुछ तो मान होगा ना, इस तीनों कोणों के मान को, यानी तीनों कोणों का मान या तीनों कोणों का योग, योग माने होता है जोड़, क्या होता है, बराबर 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज में जो ये तीन कोण होते हैं, इस तीनों कोणों की जो वैल्यू होगी अगर उसको हम जोड़ देंगे तो ये 180 डिग्री पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, 180 डिग्री। तो ये होता है त्रिभुज। त्रिभुज क्या हुआ, तीन भुजाओं से बनी या तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होती है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होगा वो कितना डिग्री कहलाता है, 180 डिग्री कहलाती है। ओके, अब हम बता रहे हैं त्रिभुज के प्रकार, क्या बता रहे हैं, त्रिभुज के प्रकार। चलिए तो देखेंगे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार यानी काइंड ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें लिखेंगे कोण एवं भुजा के आधार पर, कोण एवं भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन तीन प्रकार होते हैं, यानी कोण के आधार पे भी और भुजा के आधार पे भी, यानी कोण के आधार पे भी तीन प्रकार और भुजा, कोण के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो होगा कोण के आधार पे त्रिभुज के तीन प्रकार जो है वो है पहला न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तथा तीसरा जो है, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। ये कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार है,
ठीक है। अब है कोण के आधार पे तो हो गया, अब है भुजा के आधार पर क्या क्या होगा। भुजा के आधार पे तीन प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज तथा तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। जब हमको पूछेगा कि त्रिभुज के प्रकार बताइए तो कहिएगा कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कौन कौन होता है, तीसरा और पहला होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है कि ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों कोण का मान क्या होता है, तीनों कोण होता है ना, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो तीनों कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री से जब छोटा होता है। मान लो कि त्रिभुज एबीसी है तो तीनों कोण का जो मान हम लिखेंगे वो तीनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी ये मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं कितना 60 डिग्री, ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी मान लीजिए 60 डिग्री। या फिर मान लो इसको हम कर लेते हैं 70 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो गया, ये हो गया 50 डिग्री। अब देखो तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है, है ना, तो जो तीनों कोणों का मान जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। वही दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री हो, तो ये जो ऐसे होगा वो कहलाएगा, मान लो इसका नाम देते हैं MNO, एक त्रिभुज जिसका मान 90 डिग्री हो। चूंकि देखो एक सीधी लाइन पे क्या बनता है 180 डिग्री, एक सीधी लाइन पे कितना डिग्री एंगल बनेगा 180। अगर बीच से इसको हम खाली ऐसे उठा दें तो इधर भी 90 हो जाएगा और इधर भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिभुज बना इसको कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं कि वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। तो मान लो कि इधर इसको हमने बताया था कि इसके नीचे आएगा, एक दूसरे के नजदीक आएगा तो छोटा बनेगा, न्यून कोण होगा, और इससे ज्यादा जाएगा तो अधिक कोण होगा। तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा, मान लो इसका मान है 120 डिग्री, तो 120 जो हुआ वो 90 डिग्री से बड़ा हुआ, ये हुआ। इसका मान लो नाम देते हैं LMN, इसका मान लो कि क्या है, ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखो समबाहु, नाम से क्या लगता है, सम माने समान, बाहु माने भुजा, तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो, समान हो, यानी तीनों भुजा का मान बराबर हो। जैसे मान लो ABC हमने मान और ये तीनों भुजा बराबर हो, तो वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की माप बराबर हो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्वि, द्वि माने दो, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप लगभग मान लो बराबर है, इसमें दिख रहा है ना, ये और ये बराबर दिख रहा है, जैसे मान लो इसका नाम देते हैं MNO, ये दोनों भुजा बराबर हो जाती है, तो जब दो भुजाएं जिसकी बराबर हो उसको कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम, विषम माने अलग, भिन्न, सबसे अलग, तो ये कहलाता है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, ये मान लो कि हम लिखेंगे PQR ना, ये है मान लो 6 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर का और ये मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर का, नहीं, या फिर मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो क्या हुआ, तीनों अलग अलग है कि नहीं, तीनों का माप अलग अलग है, तो ये कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। अब आपको हम कल सिखाएंगे ये तीनों का परिभाषा, ओके, थैंक यू। तेजी में निकिए, सवाल भी नोट कीजिए अच्छे से, सबको याद भी रहना चाहिए बेटा कि त्रिभुज पढ़े हैं, अच्छे से सबको याद कर लेंगे ना सब, और त्रिभुज बना के लाएंगे आप सब, समकोण त्रिभुज बना के लाएंगे, समबाहु त्रिभुज बना के लाएंगे, कार्टून का उपयोग करके बना के लाएंगे, ठीक है, ओके।